रहेगा। अभी लेवल प्लेइंग फील्ड है, मिल लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हम पीटीआई के लिए नहीं कर सकते, उन्होंने आप लोगों को मिल रही है नहीं, हमें तो इंशाल्लाह ताला लेवल प्लेइंग फील्ड क्या, हमारे इलेक्शंस होने हैं और इलेक्शंस में हम वोट वोट से जीतेंगे इंशाल्लाह ताला। आपको पता है हमारे कायद वापस आ गए हैं, तो हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे लोगों का वोट है। और जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक है, वो कंप्लेन जो करें, देखिए उन्होंने 9 मई की अटैक के बाद या साइफर लहराने के बाद, तो जिस तरह उसने मुल्क के अदारों को अटैक किया, जिस तरह उसने साइफर के थ्रू पाकिस्तान की फॉरेन डिप्लोमेसी को ख़राब किया, तो उसके बाद तो ये चीज़ें तो उसने खुद भुगतनी है, इसमें हमारा कोई बात नहीं। मान लेते हैं उन्होंने किया, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने जो बाजवा का और फैज़ अमीर का नाम लिया था अपनी तकरीर में, उस वक्त नवाज शरीफ दुरुस्त थे या आज दुरुस्त हैं? देखें, नवाज शरीफ साहब हमेशा दुरुस्त रहे हैं, उन्होंने एक ही बात की थी कि अदारों को अपने हदूद में रहना चाहिए, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद ये बात पूरी हुई कि अदारे अपने हदूद में रहना शुरू हो गए, और हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी जो है रिवेंज, जिसे कहते हैं, उन्होंने कहा मैं रिवेंज नहीं लेता, मैं अपनी जो सारे फैसले अल्लाह ताला पे छोड़ता हूँ। और इंशाल्लाह ताला हमने जब देखा कि 21 अक्टूबर को वापस आए, उन्होंने इस तरह करके एक पीस का सिंबल, वो पिजन अपने हाथ में पकड़ा और उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह ताला पे इंसाफ छोड़ता हूँ। और आपको पता है सबसे बेहतर इंसाफ, वो किस हैसियत से अल्लाह पे छोड़ते हैं? वो खुद पहले कहते रहे आइन उन्होंने तोड़ा, आइन तोड़ने वाले को कानून के मुताबिक सजा दी जाती है। नवाज शरीफ किस हैसियत में कहते हैं कि मैंने अल्लाह पे छोड़ा? देखें, क्यों ना छोड़े, हम हर बंदे के ऊपर राइट होता है, और अल्लाह ताला पे छोड़ना और अल्लाह ताला से बेहतर फैसले करने वाला कौन है? तो देखें, आपके जो मियाँ साहब ने 3.5 साल से चीज़ें फेस की, अब मकाफात अमल आई और वो सब चीज़ें रिवर्स हो गई, और ये पीटीआई जैसे लोग जिन्होंने खुद ही 9th में करके खुद ही अपने ऊपर कुल्हाड़ी मारी। इमरान खान का मामला अल्लाह पर।